छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, कांग्रेस सरकार किसानों की अनदेखी कर रही है और धान खरीदने में असफल साबित हुई है। पूर्व सीएम रमन सिंह ने कहा, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार धान खरीदी में पूरी तरह असफल है। दो दिन पहले तक भूपेश बघेल केंद्र सरकार का विरोध कर रहे थे, बुराई कर रहे थे, आज तारीफ कर रहे हैं क्योंकि केंद्र सरकार ने 24 लाख मैट्रिक टन धान खरीदने का निर्णय लिया है। मगर यहां भूपेश बघेल की सरकार धान खरीद पाने में ही असमर्थ हो गई है, हर जगह अव्यवस्था और अनियमितता है। एक तरफ तो मुख्यमंत्री कहते हैं कि डॉक्टर रमन गलतफहमी पैदा कर रहा है और ये बार बार अपने बयान बदल के अपनी छत्तीसगढ़ की जनता को गलतफहमी में डालने का प्रयास कर रहे हैं। एक तरफ पहले 3 रोज पहले केंद्र सरकार का विरोध और आज केंद्र सरकार को धन्यवाद देने के लिए पत्र लिख रहे हैं और ये कहा जाता है कि आज डॉक्टर रमन ने कहा कि 2500 रुपया धान खरीदी की बात विधानसभा में कहा। मैं फिर से कहना चाहूँगा, आज तारीख तक छत्तीसगढ़ के किसानों के चुनाव घोषणा पत्र के अनुरूप जो कांग्रेस ने घोषणा पत्र में लिखा था 2500 रुपये में धान खरीदी हम करेंगे, आज तारीख तक पिछले साल के धान का पैसा किसानों को नहीं मिला है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गाँव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।